हेलो सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम मसालेदार चना बनाने चल रहे हैं। ये हमने चना लिया था, इसको भिगोए थे रात में, तो हम इसको बॉयल कर लिए हैं। ये टमाटर काटे हैं, ये दो तीन आलू छोटा छोटा काटे हैं, और ये हम पेस्ट बनाए हैं। इसमें लहसुन है, अदरक है, मिर्चा, हल्का सा जीरा पेस्ट बना लिए हैं पीस के। इसको हम प्याज काट लिए हैं, अब चल रहे हैं बनाने इसको हम। ये मेरी कढ़ाई गरम हो गई है, इसमें हम तेल डाल रहे हैं सरसों का। तेल हमारा गरम हो रहा है, अब इसमें हम जीरा डालेंगे एक छोटा चम्मच। जीरा हम डाल दिए थे, इसमें हम प्याज डाल रहे हैं। प्याज हमारा थोड़ा ब्राउन हो जाए, हाँ दोस्तों, इसमें ये हींग है, एक चुटकी हम हींग को डाल रहे हैं ताकि इसका स्वाद और सही हो जाए। ये देखिए जो हम पेस्ट बनाए हुए हैं उसमें हम ये मिर्चा पाउडर डाल रहे हैं आधा छोटा चम्मच, और इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर है, इसको हम मिला रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये पेस्ट मिला लिए हैं, इसको हम डालेंगे। थोड़ा सा हम हल्दी मिलाएंगे, इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। हाँ दोस्तों, ये देखिए मेरा मसाला जो है पक गया है अच्छी तरीके से। इसमें हम टमाटर को डालेंगे, थोड़ी देर मिलाएंगे, थोड़ा पक जाइए भी। हाँ देखिए दोस्तों, इसमें टमाटर अच्छी तरीके से भी पक गया है, और इसमें हम मिलाएंगे चना और आलू को, इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। इसमें हम नमक डालेंगे, इसको हम अच्छी तरीके से भी मिला रहे हैं। इसमें उसके बाद पकड़ने लगेगा, थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये ढक दिए हैं इसको, धीमी आंच में थोड़ा देर पकाएंगे हम, 5 मिनट तक। हाँ देखिए हम ढक दिए थे, इसको खोले हैं, ये सब पक गया है, पकड़ने लगा है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और भी पकाएंगे, पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे। अब इसको हम 5 मिनट तक अभी और पकाएंगे ताकि सब चीज़ मेरा अच्छे से पक जाए। हाँ दोस्तों, ये मेरा पक गया है मसालेदार चना। इसमें हम हरी धनिया ऊपर से डाल रहे हैं, इसको हम निकालेंगे प्लेट में। हाँ दोस्तों, ये मेरा मसालेदार चना बनके तैयार हो गया है। आप भी इस तरह से बनाइएगा और अपने घर वालों के लिए। मेरा तरीका पसंद आया हो दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।